अस्सलाम वालेकुम, यह है खबर की दुनिया और मैं हूं समीना पाशा। मैं हूं उस्मान अमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। पंजाब से 9 मंतखब MPA जमाल लगारी गोली लगने से जख्मी, लाहौर के निजी अस्पताल में जेरे इलाज। इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ कराची में तहरीक इंसाफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मुतनाज़े हलकों में दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है, मुल्की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जाली मैंडेट लेने वाली नई कुवतों को खैबर पख्तूनख्वा में दफन करेंगे, शराइत को तस्लीम किया गया तो वफाकी हुकूमत में शामिल होंगे। सिंध के तीनों इलेक्शन ट्रिब्यूनल तहलील, इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट से नए जजेस के नाम तजवीज करने की दरख्वास्त। 18 सियासी जमातें 100 वोट भी हासिल न कर सकी, सरकारी आदाद और शुमार जारी। लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन, मीरपुर में एहतजाज करने वालों पर शेलिंग, पुलिस से झड़पें, दीगर शहरों में भी मुजाहरे। नवाज लीग ने तवानाई बहरान पर काबू पाने की मंसूबा बंदी कर ली, लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 6.5 अरब डॉलर की जरूरत, सब्सिडी घरेलू सेक्टर तक महदूद करने पर गौर। तानेहाए गुजरात के बाद पंजाब हुकूमत को होश आ गया, मुख्तलिफ शहरों में गाड़ियों के सिलेंडर्स और फिटनेस सर्टिफिकेट की चेकिंग, 193 मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद में नौजवान ने रिश्ते के तनाजे पर भाई और बहन का गला काट दिया, भाई जान बहक, बहन की हालत तश्वीशनाक। और आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ एशियन रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए।